गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इतिहास में लेसन नंबर 5 की रीडिंग करेंगे। लेसन नंबर 5 है मध्यकाल की प्रमुख घटनाएं। मध्यकाल, प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच के काल को मध्यकाल कहते हैं। साधारणतः भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से आरंभ हुआ और 18वीं शताब्दी तक चला। 8वीं शताब्दी को प्राचीन काल का अंत और मध्यकाल को आरंभ माना जाता है। मध्यकाल में राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक बदलाव। हर्ष की मृत्यु के बाद देश विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में बट गया। इन राज्यों पर अधिकतर राजपूतों ने शासन किया। मध्यकाल के दौरान भारत बाह्य विश्व के संपर्क में आया। ये संपर्क अधिकतर अरब, टर्की, मंगोल, चीनी और यूरोप वासियों से थे। कोई भी समाज अचानक नहीं बदलता, उसके बदलने में समय लगता है। नए विचारों से समाज के सभी व्यक्ति एक साथ प्रभावित नहीं होते। भारत के इतिहास में कुछ परिवर्तन 8वीं शताब्दी से पहले भी आरंभ हो गए थे, लेकिन देश के कुछ भागों में इनका प्रभाव कुछ समय बाद ही अनुभव किया गया। इसलिए सामान्य दृष्टि को देखते हुए हम कह सकते हैं कि नए विचारों का बीजारोपण 8वीं शताब्दी में हुआ। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के पतन और अंग्रेजों के आने के समय 18वीं शताब्दी में से अनेक परिवर्तन हुए। इस कारण मध्यकाल का अंत इसी शताब्दी में माना जाता है। मध्यकाल के दौरान विकास। मध्यकाल का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। नंबर 1, इस युग से संबंधित पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, अतएव हम इस युग से अधिक परिचित हैं। भारत का अधिकांश प्रादेशिक भाषाएं इसी काल में विकसित हुई। इस युग में हमारे भोजन और वेशभूषा में भी अनेक परिवर्तन हुए। धातु मुद्रा के प्रचलन से देश का आर्थिक विकास हुआ। कृषि तथा व्यापार वाणिज्य में भी विस्तार हुआ। अनेक देशों ने भारत की आर्थिक संपन्नता से आकर्षित होकर उसके साथ प्रत्यक्ष व्यापारिक स्थापित करने की चेष्टा की। इस अवधि में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के विशिष्ट तत्वों के सम्मिश्रण से भारतीय संस्कृति विकसित हुई। यह सांस्कृतिक समेकन कला, साहित्य, संगीत, स्थापत्य, चित्रकला आदि में परिलक्षित होता है। भक्ति एवं सूफी संतों ने हिंदू तथा इस्लाम धर्मों के मूलभूत सिद्धांतों की अच्छी समझ प्रस्तुत की। इससे आपसी तालमेल और सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हुई, किंतु समाज में स्त्रियों के स्थान तथा स्तर में गिरावट दर्ज हुई। नवीन धर्मों, दीन इलाही और सिख धर्म के अतिरिक्त हमारे अनेक धार्मिक विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं आदि इसी काल में विकसित हुए। मध्यकाल के इतिहास और स्रोत। प्राचीन काल की अपेक्षा हमें मध्यकालीन भारत की अधिक जानकारी प्राप्त है, अतः इसके संबंध में हमारा ज्ञान भी अधिक है। मध्यकाल हमारे अधिक निकट है, अतः इस काल को का इतिहास जानने के लिए अनेक साधन मिलते हैं। मध्यकाल के विषय में निम्नलिखित स्रोतों की जानकारी मिलती है। नंबर 1, हमारा समाज। पत्थर तथा स्तंभों पर खुदे लेख अथवा ताम्रपत्र मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेख हैं। अनेक मंदिर और गांव में खुदाई में प्राप्त होने वाले अभिलेख प्रारंभिक मध्यकाल की झांकी प्रस्तुत करते हैं। अशोक के शिलालेख, स्तूप और बौद्ध विहार इतिहास को जानने के स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत। मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के साहित्यिक स्रोत भी हमारी पर्याप्त सहायता करते हैं। भारत में साहित्य आरंभ में ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखा गया था। 13वीं शताब्दी में इसे कागज पर लिखा जाने लगा। इन पुस्तकों में से अनेक अब तक मौजूद हैं। इनमें से कुछ राजाओं के जीवन, राजवंशों द्वारा किए गए कार्यों के विस्तार का वर्णन है। इसमें से कुछ प्राचीन संस्मरण हैं और कुछ आत्मचरित के रूप में शासकों के जीवन का वर्णन है, जैसे बाबर और जहांगीर के संस्मरण, और कुछ धार्मिक तथा साहित्यिक ग्रंथों को लघु चित्रों से सजाया गया है। इन सब में हमें
प्रामाणिक जानकारी मिलती है। नंबर 3, विदेशी यात्राओं का यात्रा वृतांत। इस काल में भारत में यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन भी मिलते हैं। इसमें तुर्की और फारसी यात्री प्रमुख हैं जिन्होंने अपने समय में समाज का वर्णन किया। अब हम पढ़ेंगे कि मध्यकाल का विभाजन कितने भागों में किया जाता है। इस काल के इतिहास को अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम इसे 2 भागों में बांट दिया है। पूर्व मध्यकाल 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल तथा उत्तर भारत के राजपूत राज्यों और चोल साम्राज्य के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा है उत्तर मध्यकाल, 13वीं शताब्दी के बाद के काल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं, जिसके अंतर्गत दिल्ली के सुल्तानों, ब्राह्मणी और विजयनगर राज्यों और मुगल साम्राज्य का इतिहास शामिल है। उत्तर मध्यकाल में आए सामाजिक परिवर्तनों पर भारत के बाहर से आए राजवंशों का प्रभाव देखा जा सकता है। प्रमुख रूप से ये शासक तुर्क, अफगान और मुगल थे जो भारत में आकर बस गए। इस काल में विदेशियों के भारत में आने के कारण भारत के बाहरी संसार से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए थे। विश्व में अन्य भागों में घटित प्रमुख घटनाएं। इस समय पश्चिम एशिया, यूरोप, मध्य एशिया, चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिनका भारत के इतिहास पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें सबसे प्रमुख है अरब में इस्लाम का उदय। एक नई संस्कृति और विचारधारा से भारत के इतिहास में एक नए अध्याय का गठन हुआ। इस समय अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म के उदय से पहले अलग अलग कबीलों के बटे होने के कारण अरब में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इस्लाम में किसी देवी देवता की पूजा ना करके बल्कि काबा कहे जाने वाले स्थान की उपासना की जाती थी। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। मोहम्मद साहब का जन्म मक्का नामक शहर में सन 1570 ईस्वी में हुआ था। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका विवाह खदीजा नामक धनवान स्त्री से हुआ। मोहम्मद साहब खदीजा के यहाँ काम किया करते थे। उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे विवाह कर लिया। उस समय अरब में अनेक कबीले थे जो आपस में लड़ते रहते थे। मोहम्मद साहब ने सभी को एकता में बांधने का प्रयास किया। 40 वर्ष की आयु में उन्हें सत्य के दर्शन हुए और उन्हें लगा कि परमात्मा द्वारा उन्हें पैगंबर के रूप में चुना गया है। पैगंबर का अर्थ है परमात्मा का संदेश बताने वाला होता है। मोहम्मद साहब ने ईश्वर के संदेशों का ग्रंथ में संग्रहित किया। इस ग्रंथ को कुरान कहते हैं। कुरान इस्लाम धर्म के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। कुछ लोग जो मोहम्मद साहब को पैगंबर की भांति ही पूछते हैं, उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, अल्लाह के सभी बंदे एक समान हैं, उनके लिए जात पात व ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। परंतु कुछ लोग मोहम्मद साहब की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, जिसके कारण सन 622 ईस्वी में उन्हें मक्का छोड़कर पास के शहर मदीना जाना पड़ा। उनकी यह यात्रा हिजरा या हिजरत कहलाती है। इस्लाम में पंचांग का या संवत का प्रारंभ भी इसी समय से हुआ। धीरे धीरे मक्का व आसपास के लोगों ने उनकी विचारधारा को अपनाया और इस प्रकार इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। काबा को उनके द्वारा प्रमुख प्रतिमा या वेदी के रूप में स्वीकार किया गया। कहा जाता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है उसे अपने जीवन में एक बार हज यात्रा अवश्य करनी चाहिए। इस्लाम धर्म का धीरे धीरे अन्य देशों में विस्तार हुआ और लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। इस्लाम धर्म में कुछ मुख्य चीजें हैं जिनको विशेष माना जाता है। रमजान के पूरे महीने व्रत अर्थात रोजा रखने का विधान है। इस्लाम धर्म में पूजा करना नमाज कहलाता है और प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने को कहा गया है। मक्का व मदीना की यात्रा हज कहलाती है। इस्लाम धर्म की मुख्य शिक्षा है कि ईश्वर एक है। हजरत मोहम्मद साहब ईश्वर के पैगंबर सन 632 में
मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद कोई भी धार्मिक नेता या धर्मगुरु नहीं था। इसके लिए धार्मिक लोगों द्वारा एक धार्मिक गुरु या राजनीतिक प्रशासक चुना गया जो खलीफा कहलाया। खलीफा को सभी धार्मिक व राजनीतिक अधिकार होते थे। खलीफा द्वारा ही अरब साम्राज्य सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, फिलिस्तीन, उत्तरी अफ्रीका आदि देशों में फैल गया। इन्होंने वेजेंटाइन, स्पेन और कुछ यूनानी साम्राज्य पर भी अधिकार कर लिया था और इस प्रकार इस्लाम धर्म का प्रसार विश्व के विभिन्न देशों में हुआ। अब हम पढ़ेंगे यूरोप की राजनीतिक दशा। मध्यकाल में पूरे यूरोप की स्थिति डामाडोल थी। संपूर्ण राजनीतिक जीवन में यहाँ एक भूचाल सा आया हुआ था। इस काल में यहाँ चीन, भारत और अरब सभ्यता के क्षेत्र में प्रगति कर रहे थे, वहीं यूरोप पतन के मार्ग पर बढ़ रहा था। अनेक आक्रमणकारियों ने रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया। आर्थिक दृष्टि से निर्बल रोमन साम्राज्य और पूर्वी साम्राज्य की राजधानी कैटेनोपल थी। पूरे बाद में पूर्वी रोमन साम्राज्य बेजेंटाइन साम्राज्य के नाम से विख्यात हुआ। यह एक विशाल साम्राज्य था। इसमें तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीन, इस्माइल एंड तथा अफ्रीका का उत्तरी भाग सम्मिलित था। साम्राज्य के शासक तानाशाह थे। वे ग्रीक रोमन सभ्यताओं की परंपराओं का निर्वहन कर सामंतवाद का उदय। मध्यकाल में समस्त यूरोप अंधकार के युग से गुजर रहा था। शिक्षा का प्रकाश वहां चर्च और मठों तक सीमित था। बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के कारण नागरिकों का जीवन सुरक्षित नहीं था। इस काल में यूरोप में जो नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ उसे सामंतवाद कहा गया। सामंतवाद लैटिन भाषा के फिडियम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भूमि का वह टुकड़ा जो सेवा के बदले में दिया जाता हो। राजा अपने उन सेवकों को जो युद्ध में तथा अन्य प्रकार से सेवा करते हैं नकद वेतन देने की अपेक्षा भूमि का एक टुकड़ा प्रदान करते थे। यह भूमि व्यवस्था यूरोप में सामंतवाद के नाम से विख्यात हुई। भूमि प्रदान करने वाला व्यक्ति लॉर्ड और भूमि प्राप्त करने वाला व्यक्ति वेसल्स कहलाता था। वेसल्स ही सामंत और समंत अपने लॉर्ड के प्रति स्वामी भक्त रहता था। सामंत अपनी भूमि किसानों और भूमिहीन मजदूरों को देता था और उसके बदले में मनमानी मालगुजारी तथा बेगार लेता था। इस प्रकार यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था से पूरा समाज जुड़ा हुआ था। एशिया की घटनाएं। अभी हमने यूरोप की घटनाएं पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे एशिया की घटनाएं। 9वीं शताब्दी तक आते आते अब्बासी खलीफाओं की शक्ति घट गई। उनके अधीन सभी प्रांत स्वतंत्र हो गए, उनमें गजनी और गौर के भी प्रांत। सलजुक तुर्क जो मध्य एशिया में शक्तिशाली थे पश्चिम की ओर बढ़े और उन्होंने इनमें से कुछ प्रांतों पर अपना अधिकार कर लिया। 11वीं शताब्दी तक सतलुज तुर्क पश्चिम एशिया में शक्तिशाली बन रहे थे और अपने शासन की स्थापना कर रहे थे। उन्होंने फारस, इराक, सीरिया और बेजेंटाइन साम्राज्य पर आक्रमण कर लिया और शीघ्र ही उस क्षेत्र में बस गए। बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कस्तुतुनिया आधुनिक इस्तांबुल थी। बेजेंटाइन साम्राज्य वैभव और विस्तार में रोम साम्राज्य का प्रतिद्वंदी था। इसकी सभ्यता यूनानी सभ्यता के आधार पर खड़ी थी। पूर्वी महासागर रूस और स्कैंडिनेविया के व्यापार पर उसका अधिकार था और चीन से लेकर फारस तक मध्य एशिया से होकर आने वाले व्यापारियों को व्यापार में भी वह साम्राज्य भाग लेता था। 13वीं शताब्दी में चंगेज खां के नेतृत्व में मध्य एशिया के मंगोलों ने फिर वेजेंटाइन पर आक्रमण कर दिया। इसमें केवल ऑटोमन तुर्की ही बच गए जो अनातुलिया में बस गए और जिनको 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया की विजय करने में सफलता मिली। पश्चिम एशिया पर वे अपना अधिकार जमाए रहे। इसी बीच मंगोलों ने पश्चिमी एशिया और दक्षिणी रूस से लेकर मध्य एशिया के उस पार चीन तक के क्षेत्र को पर अपना अधिकार कर लिया। 13वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल चीन पर शासन करते रहे। इससे मंगोलों ने अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ा ली और धनवान हो गए, क्योंकि 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक तुंग और शुंग वंशों से शासनकाल के चीन एक वैभवशाली और शक्तिशाली देश रहता था।
इस समय रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। चीन और पश्चिमी एशिया के मध्य इस व्यापार इसी मार्ग से होता था। इस कारण मध्य एशिया का महत्व बढ़ गया। व्यापार करने वाले काफिले इस मार्ग पर जाते थे, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता था, क्योंकि चीन का रेशम व्यापार की महत्वपूर्ण वस्तु थी। इसके अतिरिक्त चीन ने नवीन आविष्कार भी अन्य वस्तुओं के साथ पश्चिम एशिया में आए बारूद, कागज, कपास बनाने की तथा छापने की कला आदि सब चीन से यूरोप पहुंचे। चीन के अन्य व्यापारी समुद्री मार्ग से भी व्यापार करते थे। ये व्यापारिक जहाज चीन के बंदरगाहों जैसे कैप्टन एमाय तथा दक्षिणी चीन के अन्य बंदरगाहों से चलकर भारत और पूर्वी अफ्रीका तक जाते थे। कुछ दक्षिण पूर्वी एशिया के बंदरगाहों में रुक जाते थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जैसे अनाम, लाओस, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा और मलाया आदि में चीन और भारत के व्यापारियों में प्रतिद्वंद्विता चलती रहती थी। इन व्यापारियों के द्वारा देशों की सभ्यता संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ। 14वीं शताब्दी में अरब के व्यापारियों ने भी दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने पैर जमा लिए थे। भारत में व्यापारिक संबंधों के कारण भारतीय व्यापारी एशिया, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में बस गए। यहूदी व्यापारियों के पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका से भारत में आकर बसने के कारण लोग पश्चिम एशिया और पूर्व भूमध्य सागर से संबंध तथा अधिक मजबूत हो गए। कुछ समय पहले मध्य एशिया के तुर्क और बाद में मुगल भारत में विजेता बनकर आए। उनका भारत में आना एक प्रकार से यूरोप निवासियों के आने की तरह ही था, जो पहले व्यापारी बनकर आए और फिर शासक बनकर गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापारिक संबंधों के कारण ही विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध बने और विद्या का आदान प्रदान हुआ। लास्ट टॉपिक है आपका मध्यकालीन में भारत की स्थिति। पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत अनेक राज्यों में बंटा हुआ था। ये राज्य प्रायः एक दूसरे से लड़ते रहते थे, परंतु दक्षिण भारत में इस समय शक्तिशाली चोल राजाओं का शासन था। उन्होंने दक्षिण भारत के विस्तृत क्षेत्र को जीत लिया था और उनकी सेनाएं उत्तर भारत में गंगा नदी तक आ गई थी। चोल शासक बड़े धनवान थे। उन्होंने अनेक मंदिरों के निर्माण में धन व्यय किया। ये मंदिर ज्ञानार्जन के केंद्र भी थे। इस समय ऐसे विचारक और दार्शनिक विद्यमान थे जिनकी शिक्षा ने संपूर्ण भारतीय विचारधारा को प्रभावित किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में इन विचारकों एवं दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। बाद में उत्तर मध्यकाल के सुल्तानों और मुगल वंश के शासकों के आने से भारतीय संस्कृति और कला कला का प्रभाव पड़ा। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। गुड बाय।